जय माता दी। आज हम अपने इस वीडियो में आपको देवी माँ की पूजन विधि बताने जा रहे हैं। ये सन 2020 की कुंवार की नौ दुर्गों की पूजन विधि है। इसमें आज हम आपको देवी जी की मूर्ति की स्थापना के बारे में बता रहे हैं। इसमें आप सबसे पहले देवी माँ की मूर्तियों को गंगा जल से स्नान करके शुद्ध कपड़े पहना के उन्हें स्थापित कीजिए। इसमें आप 5, 7 या ना हो सके तो एक ही देवी माँ की मूर्ति स्थापना करें। हमने इसमें 5 मूर्तियों की स्थापना की है। ये है हमारी वैष्णो माता, ये दुर्गा देवी, और ये हमारी दुर्गा देवी जो हमने मिट्टी की ली है, ये हमारी मिट्टी की है देवी माँ, और ये हमारी द्वितीय वाली देवी हमने यहाँ पर रखी है। यहाँ हमारी वो देवी माँ की नौ दुर्गों की मूर्तियों का हमने एक प्रतिमा बनाकर अपनी दीवार पर टेप से सुसज्जित की रखी है। हमने ये पूरब दिशा में मुंह करके पूजा करनी तो उससे अच्छी फलदाई मिलती है। जमीन पर आप इसमें आटे से चौक पूज सकते हैं। चौक पूरना अति आवश्यक है। आटे से इसमें चौक पूर के इसमें चावल के दाने या गेहूँ के दाने डालकर लकड़ी की चौकी आप बनाकर फिर बिछाइए और देवी माँ की मूर्तियों को अच्छे से बैठा लिए। लहंगा यहाँ पे बनाया है और यहाँ पे देवी माँ की चुन्नी भी लगाई है। सारी देवियों को अच्छे से बैठाला है। फिर यहाँ पे हमने मिट्टी का कलश लिया है। मिट्टी के कलश पे हमने कटोरी इसलिए रखी है यहाँ पर कि जो हम इसमें जल डालेंगे अगर थोड़ा बहुत निकले तो वो इसी में आ जाएगा। इससे आपका कपड़ा ये गीला नहीं होगा। उसके बाद हम इसमें फिर गंगा जल मिलाकर और इसमें 9 बार देवी माँ के 9 दिन होते हैं इसलिए आप इसमें 9 बार जल डालें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह हमने इसे भर लिया है। अब इस पर हम प्याला रखें। प्याले में हमने थोड़ा सा थोड़े से गेहूँ रखे हैं। उसके बाद पान का पत्ता, इसमें हमने मुद्रा रखी है, बतासे रखे हैं, सुपारी, इलायची और ये 2 फूल वाली लौंग। पूजा में आप लौंग फूल वाली ही रखें, वही रखी जाती है, और छोटी इलायची पूजा के लिए हमेशा छोटी इलायची ही रखते हैं। इसके बाद अब हम इसमें नारियल ऐसे नारियल को लाल कपड़े में करके और कलावा से 9 बार परिक्रमा लगाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 9 बार करके आप इस कलश के ऊपर स्थापित कर दीजिए। बोलो देवी मैया की जय। अब हम हवन के लिए हवन कुंड में ये हमारा मिट्टी का है, हमारी ये माता जी की बनाई हुई है। आप चाहे तो तांबे के भी अब तो बाजार में मिलने लगी है, हम ये उन्हीं की रखते हैं। इस पर हम बंधन से सतिया बनाएंगे 9 बार स्वास्तिक लीजिए। ये हमने हवन कुंड पर 9 बार स्वास्तिक बना दिए ऐसे। स्वास्तिक हमेशा सीधे ही बनाइएगा। स्वास्तिक बनाने की विधि हम अपने चैनल पे डाल देंगे, आप उसमें देख लीजिए। और इसे ऊपर ये 9 बार ये तिलक भी कर दीजिए, 3, 8, 9 इस तरीके से। हवन कुंड की सामग्री के लिए आप इसमें धूप, कपूर, ये मैंने छोटी इलायची, लौंग, बतासा, ये सब मैंने कलावा रखा है। और दोस्तों आपको एक चीज, ये हमने जो 9 देवी माँ की थपा लगाई है इसे हम इसे ऐसे वो करते हैं, आप सीधे हाथ में बंधन को ऐसे करके ऐसे बंधन, ये सूखा पाउडर आता है, आप इसमें घी मिलाकर इसे गीला कर लीजिएगा
फिर इसे हमने, ध्यान रखिएगा, बाएं हाथ से लगाइएगा और दाहिने हाथ में लगाइएगा, क्योंकि पूजा का हर काम हम दाहिने हाथ से ही करते हैं, इसलिए दाहिने हाथ से लगाइएगा। और ये मैंने ऐसे वाइट पेपर इसलिए लिया है क्योंकि देवी माँ के प्रतिमा अच्छे से दिखाई पड़े। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, ये मैंने 9 बार लगा दिया है। ये हमारी देवी माँ के 9 रूप हो गए हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, महागौरी और सिद्धिदात्री, ये हमारी देवी माँ की 9 मूर्तियाँ हो गई हैं। इसके बाद अब हम इसमें जो देवी माँ के पूजन के लिए अति आवश्यक है, ये हमारी दुर्गा सप्तशती वाली पुस्तक है, आप किसी भी पुस्तक भंडार से आप ले सकते हैं, ये हिंदी में आती है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। देवी माँ के नवरात में आप इसको जरूर पढ़ें, इसमें 9 अध्याय हैं, अभी मैं आपको सारे पढ़ के बताऊँगी। और सबसे पहले दोस्तों, अब हम हवन कुंड करेंगे, उससे पहले आप चाहें तो दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। दुर्गा चालीसा हमारी हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप पढ़िएगा जरूर। नमो नमो दुर्गे सुकनी, नमो नमो अम्बे तुम्हारी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, इस तरह आप पढ़िएगा। हमारे हवन कुंड के लिए हमने ये गोबर का, गाय के गोबर का कंडा लगाया है, क्योंकि हम लोग घर पे आम की लकड़ियाँ ये सब नहीं इतना इस्तेमाल कर पाते हैं, बड़े बड़े शहरों में तो मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। ये आप गोबर के, गाय के गोबर की आप खरीद भी सकते हैं, अब तो बाजार में मिलने लगा। ये हमारे घर के बने हुए हैं, तो मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया और गैस पे इसे बर्न होने के लिए रख दिया, जब इसमें धुआं निकलने लगे तब इसे आप उठा सकते हैं। और ये हम हवन कुंड में रख कर अब हम हवन कुंड करना प्रारंभ करते हैं। बाजार से ये धूप ला सकते हैं, ये धूप सामग्री मिलती है, और अगर उसमें मिले हैं तो अच्छी बात, नहीं तो आप इसमें काले तिल जरूर मिलाएं, काले तिल का बड़ा ही महत्व होता है, ये देख। और अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी भी मिलाते हैं, चीनी का मिलाना भी अति आवश्यक है। ये हमारी अब हवन सामग्री बन के तैयार हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा रखते हैं, ये कपूर जो बाजार में मिलता है दुकान पे, पैकेट वाला भी आप लग सकते हैं, मैंने ये खुला लिया क्योंकि पैकेट वाला अच्छे से नहीं जलता, इससे मैंने यही वाला कपूर ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। अब हम दीपक जला लेते हैं, आरती का, पूजा की थाली मैंने तैयार कर रखी है। ये मैंने देवी माँ के भोग के लिए फल लिए है, मैंने इसमें केले, सेब, और ये हमारी घर की बनी हुई लौकी की बर्फी है जो खोए से बनती है, इसकी विधि मैं आपको बताऊंगी। ये हमारे घर में कई महिलाएं नहीं जमा पाती, लेकिन मैं आपको इसकी अच्छी विधि बताऊंगी, ये पूजा के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब मैं ये दीपक जलाती हूँ पूजा के लिए, और मैंने ये मुद्रा रखी है देवी माँ के अर्पण करने के लिए। सुपाड़ी और 2 बतासा भी रखे हैं आप, 3 चीज़ें ये हो गई, अब चौथा चीज़ पान हो गई, तो सब मिला के 5 चीज़ें चाहिए हैं। तो ये ऐसे करके हम इसे फोल्ड करके, और इसे 2 लौंग हैं, इसे ऐसे बंद कर देंगे और ये देवी माँ को अर्पण करें। आप इस तरह से बोल सकते हैं, श्री देवी मैया समर्पयामि।
आप मंत्रों के द्वारा ही करिए। हमारे मंत्र हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। इसे आप 9 बार पढ़िएगा। ये जो मैंने आपको पुस्तक दिखाई है दुर्गा सप्तशती, ये उसमें मंत्र लिखे हुए हैं। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, ब्रह्म रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपणी दुत सिद्ध प्रदे देवी नारायणी नमस्तुते। ये दोनों ही मंत्र आप 9-9 बार करके देवी माँ को अर्पण करें। हवन सामग्री ये मैं वीडियो आपको बाद में डाल के बता दूंगी। मांगल्य शिवे सर्वादि साधिके नारायणी नमस्तुते। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। सर्व मंगल मांगल्य स्वाहा। ओम श्री अम्बिकामेजा मई सुगंधि पुष्टि वर्धन उर्वा रुक्मी वंदना मध्य मोचे मां मृतांजय। ओम श्री अम्बिकामेजा मई सुगंधि पुष्टि वर्धन उर्वा रुक्मी वंदना मध्य मोचे मां मृतांजय स्वाहा। ओम श्री अम्बिकामेजा मई सुगंधि पुष्टि वर्धन उर्वा रुक्मी वंदना मध्य मोचे मां मृतांजय स्वाहा। ओम श्री अम्बिकामेजा मई सुगंधि पुष्टि वर्धन उर्वा रुक्मी वंदना मध्य मोचे मां मृतांजय स्वाहा। ओम श्री अम्बिकामेजा मई सुगंधि पुष्टि वर्धन उर्वा रुक्मी वंदना मध्य मोचे मां मृतांजय। हमने प्रसाद के लिए तुलसी के दल भी रखे हैं। तुलसी के दल होना जरूरी है, तभी भगवान और देवता भोग लगाते हैं। और ये मैंने पुष्प भी समर्पित कर रखे हैं। यहाँ पे लाल पीले इस प्रकार के भी फूल, देवी माँ को लाल फूल है, पर यहाँ पर हमारे पीले लाल और न गेंदे के फूल मैंने लगा दिए हैं। इस प्रकार हम देवी को सुसज्जित करते हैं। दोस्तों, ये दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है, इसका मैंने प्रथम अध्याय किया है। और इसके आगे जो ये देखिए, ये हमारे मंत्र हैं। इसके बाद ये हमारे कवच, ये देवी का कवच आप चाहे तो नित कर सकते हैं या नौ दुर्गों में ही पढ़ सकते हैं। देवी का कवच पढ़ने के बाद ये हमने इसका प्रथम अध्याय शुरू किया था। ये देवी का कवच है, ये 4-5 पन्नों में होता है। ये हमारा दुर्गा सप्तशती भाषा प्रथम अध्याय, आज हमारा पहला दिन है, तो मैंने आज प्रथम अध्याय अभी पढ़ा है। अब हम देवी माँ की आरती कर रहे हैं।